anti-Maoist operation carried out by the CRPF, the Cobra unit of the CRPF and the state police. 22 security personnel lost their life in this operation that took place in the Sukma-Bijapur border of the state of Chhattisgarh. The encounter went on for over 4 hours. But the IG of Bastar, like I was mentioning, said that 12 Maoists have been killed and 16 Maoists have been injured in the encounter. Now, remember earlier this figure was not disclosed. Now we have an official figure that 12 Maoists were also killed and 16 others injured. The CRPF, however, has ruled out any intelligence failure that could have possibly led to this kind of fatalities. वो टेक्निकल जो इनपुट प्राप्त हुआ उनमें लगभग 12 माओवादी का मृत्यु होने का और कम से कम 16 माओवादी का घायल होने का सूचना मिल रहा है. उसमें एक महिला माओवादी डेड बॉडी रिकवर की गई थी. Let's listen in to this ground report filed by Sanjay Thakur. He brings us the situation in the aftermath of the encounter in Bijapur. Let's listen in. घटना स्थल पर इस वक्त लगभग 7 जवानों के शव मौजूद हैं. अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ आपको पेड़ों पर गोलियों के निशान नजर आएंगे. यहाँ जवानों और नक्सलियों के बीच किस तरह से ये पूरा युद्ध हुआ होगा. यहाँ अगर एक गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ ये ORS और ये नेट्रॉल के यहाँ पर काफ़ी पैकेट आपको नजर आएंगे. यानी कि जब ये जवान यहाँ शहीद हुए, इस वक्त यहाँ जवानों ने, जिनके साथी जवान थे, उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ करीब 400 से अधिक नक्सली थे जिन्होंने यू शेप का एक एम्बुश यहाँ लगाया था, जिसमें ये पूरे जवान फंस गए थे. और यहाँ एक खाट पड़ी थी, अगर आप देखें खाट के ऊपर खून के दाग लगे हैं. तो इसी बीच का शायद ये समझा जा सकता है कि जवानों ने अपने घायल साथियों को बचाने की भी कोशिश की होगी. यहाँ अगर आप देखें तो ये जो मेडिकल किट होती है जवानों की, ये यहाँ रखी हुई है. मतलब जवानों ने अपने घायल साथियों को बचाने की कोशिश की और यहाँ फिर से नक्सलियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया. नक्सलियों ने फिर से उन पर हमला किया. ये यहाँ पर जवानों के कुछ कपड़े नज़र आपको आएंगे. और अगर आप मेरे पीछे देखें तो अब जवान यहाँ पहुँच चुके हैं. हम जब घटनास्थल पर पहुँचे उस वक्त जवान यहाँ नहीं पहुँचे थे. अब ये बड़ी संख्या में जवान यहाँ पहुँच रहे हैं. ये इलाका बहुत ही खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि हो सकता है नक्सलियों ने यहाँ एम्बुश लगाया हो सकता है नक्सली यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि जवानों के आने के बाद वो फिर से यहाँ हमला करें. और ऐसे मौके पर जवानों और नक्सलियों के बीच घटना काफ़ी खतरनाक हो जाता है. अगर आप देखें मेरे दाईं ओर, तो यहाँ बड़ी संख्या में जवान अब पहुँच चुके हैं. कल भी यहाँ करीब 1000 जवान ऑपरेशन पर पहुँचे थे, लेकिन नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 ने, जो कि देश में नक्सलियों की सबसे कुख्यात बटालियन है, उन्होंने जवानों पर हमला किया. और ये जो पूरा इलाका है, ये इलाका नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है. यही वजह है कि जवान काफ़ी संभल कर यहाँ पहुँचे हैं और जवान नहीं चाहते कि फिर से उन्हें किसी तरह कोई नुकसान उठाना पड़े. Times Network Sanjay Thakur also visited the Tekalguda village in Bijapur where the soldiers were ambushed by about 400 Maoist insurgents. Let's listen in. ये टिकलगुड़ा गांव है. कल जब जवानों की टीम इस गांव से गुजर रही थी, इस वक्त नक्सलियों ने उन पर हमला किया. नक्सलियों ने उन्हें यू आकार के एम्बुश में फंसाया. लगभग 400 से अधिक नक्सली ने जवानों को घेरा और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस पूरे गांव में चारों ओर जवानों के शव बिखरे हुए हैं. ये तस्वीर इतनी भयावह है, ये तस्वीर इतनी विकृत है कि हम इन तस्वीरों को आपको दिखा नहीं सकते. अगर आप देखें तो ये एक जवान का शव यहाँ मौजूद है. इसी तरह से इस गांव में जहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ आपको जवानों के शव नज़र आएंगे. लगभग 7 जवानों के शव इस गाँव में मौजूद हैं. 7 जवानों के शव पीछे जो मैदान मौजूद है वहाँ हैं. ये जवान ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे बीजापुर की ओर, वापस अपने कैंपों की ओर लौट रहे थे, जिस वक्त जवानों का नक्सलियों से सामना हुआ. ये जो टेकुलगुड़ा गांव है, ये पुअर्ती से लगा हुआ गांव है और पुअर्ती वही गांव है जिसे नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है. ये पूरा इलाका नक्सलियों के सबसे खतरनाक बटालियन नंबर 1 का इलाका है, जिसे खुद हिड़मा लीड करता है. अगर आप देखें अभी इस गांव में, तो ये पूरा गांव मुठभेड़ के बाद से ही खाली हो गया है. इस पूरे गांव में हम लगभग
हम यहाँ पहुंचे, पहले हमने करीब 10 गांवों को देखा, उन गांवों में आपको एक भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा। ये एक बड़ा गांव है, यहाँ कम से कम हमें 50 से 60 घर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, ना कोई आदमी, ना कोई औरत, ना ही कोई बच्चे, ना कोई बुजुर्ग, हर कोई इस गांव से बाहर जा चुका है। और अक्सर इन इलाकों में जब इस तरह की मुठभेड़ होती है तो ऐसा ही होता है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये जवान का शव था, इसे ये रस्सी से इसलिए जवान खींच रहे हैं क्योंकि अक्सर ये इस समय हमें यहाँ बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर नक्सली इन शवों के नीचे IDs लगाते हैं और जब जवान इन शवों को उठाने आते हैं तो ये IDs फट जाती है, इससे जवानों को और नुकसान होता है। यही वजह है कि अब जवान इस तरह से शवों के हाथ में रस्सी बांधकर उन्हें अपनी जगह से कुछ दूर हटाते हैं, जिससे अगर उसके नीचे किस तरह की ID हो तो उसमें हरकत की वजह से ब्लास्ट हो जाए और इससे जवानों को नुकसान ना हो। तो ये पूरा इलाका जो है उससे अब तक 1400 जवानों के बरामद कर चुके हैं और जो संख्या बताई जा रही है ये संख्या करीब 20 है। करीब 20 जवान कल इस मुठभेड़ में शहीद हुए थे, तो ये कहा जा सकता है कि जवानों को एक बड़ा नुकसान यहाँ उठाना पड़ा है। Home Minister Amit Shah attended a review meeting today. He cut short his Assam tour earlier and held a high-level meeting in Delhi over the Chhattisgarh attack. While speaking to the media earlier, the minister said that the sacrifice of brave hearts will not go in vain and the fight against Maoism will continue.